की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दो ऐसे ताकतवर जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनमें से एक तो पूर्ण रूप से शाकाहारी है और दूसरा है पूर्ण रूप से मांसाहारी। ऐसा तो आपने अक्सर सुना होगा कि मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों पर अक्सर भारी पड़ते हैं, लेकिन क्या हो जब दुनिया में राइनो यानी गैंडे का टाइगर के साथ आमना सामना हो जाए। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि टाइगर अक्सर शाकाहारी जानवर पर भारी पड़ता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या हो यदि गैंडे का और टाइगर का आमना सामना हो, क्या टाइगर गैंडे को अपना शिकार बना सकता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक और अमेजिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइगर से। आपको बता दें टाइगर की इस दुनिया में बहुत सारी प्रजाति हुआ करती थी, लगभग 9 प्रजाति के आसपास, लेकिन उनमें से 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और बची है 6 प्रजाति। इनमें से जो सबसे शक्तिशाली है उसका नाम है साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर रशिया, चाइना और साउथ कोरिया में पाए जाते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलेशन इस समय बहुत ज्यादा तेजी से घट रही है। आज से 100 साल पहले एशिया में टाइगर की संख्या 1 लाख से अधिक थी, लेकिन आज इनकी संख्या मात्र कुछ हजारों में बची है। आपको बता दें एक वेस्ट साइबेरियन टाइगर का वजन लगभग 300 किलो से लेकर 350 किलो तक हो सकता है। साथ ही यदि बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो इसकी लंबाई लगभग 10 से लेकर 12 फीट तक होती है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है। ये 75 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। साइबेरियन टाइगर की स्किन और टाइगर की तुलना में काफी मोटी होती है, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में रहता है और मोटी स्किन होने के कारण वो उसको गर्मी प्रदान करती है। टाइगर की प्रजाति में टाइगर शेरों से विपरीत कार्य करते हैं, ये झुंड में नहीं रहते हैं, ये अकेले ही शिकार करते हैं और बहुत बड़े क्षेत्रफल में अपना दबदबा रखते हैं। ये शिकार की तलाश में काफी किलोमीटर दूर तक निकल जाते हैं। ये अपने इलाके में किसी दूसरे टाइगर को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। यदि कोई दूसरा टाइगर इनके इलाके में प्रवेश करता है तो इनके बीच में जानलेवा लड़ाई होती है और जो टाइगर जीतता है वो इस इलाके का मालिक होता है। साइबेरियन टाइगर के कैनाइन 78 mm लंबे होते हैं और यदि बात करें इसकी बाइट फोर्स के बारे में तो इसकी बाइट फोर्स लगभग 1050 psi के बराबर होती है। ये तो थी साइबेरियन टाइगर के बारे में मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। अब बात करते हैं राइनो यानी गैंडे के बारे में। आपको बता दें राइनो एशिया से लेकर अफ्रीका तक में फैले हैं। इनकी इस दुनिया में कुल 5 प्रजाति है, लेकिन जो सबसे बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति मानी जाती है उसका नाम है व्हाइट राइनो। व्हाइट राइनो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। राइनो के पास और राइनो की तुलना में 2 सींग होते हैं, जिसमें इसका एक सींग तो बहुत लंबा होता है यानी कि 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास। और एक खास बात यह है कि राइनो के सींग के बारे में, यदि इसका सींग एक बार टूट जाए तो इसका सींग दोबारा निकल आता है। राइनो भी अपने इलाके को लेकर काफी गुस्सैल होते हैं, ये बहुत बड़े इलाके में अपना कब्जा रखते हैं और अपने इलाके में किसी भी मांसाहारी जानवर को या शाकाहारी जानवर को प्रवेश करने नहीं देते हैं। ये काफी एग्रेसिव होते हैं। आपको बता दें राइनो पूर्ण रूप से एक शाकाहारी जानवर है। एक वयस्क राइनो की लंबाई 12 से लेकर 14 फीट तक हो सकती है। साथ ही यदि बात करें इसके वजन के बारे में तो इसका वजन 1600 किलो से लेकर 2500 किलो तक हो सकता है। लेकिन इतने भारी होने के बावजूद भी राइनो की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसकी स्पीड 50 से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। राइनो की स्किन को सबसे ज्यादा हार्ड कोर स्किन माना जाता है। इसकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कई मांसाहारी जानवर तो इसकी स्किन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब बात करते हैं यदि इन दोनों का आमना सामना हुआ तो क्या परिणाम होंगे। आपको बता दें अगर एक जन्मजात शिकारी जानवर है वो राइनो को देखते ही उस पे हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो राइनो पे हमला करेगा और वो तुरंत ही समझ जाएगा कि राइनो उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है। वैसे भी टाइगर शिकार के गले पर हमला करके उसकी जान लेता है, लेकिन राइनो की गर्दन इतनी ज्यादा मोटी और इतनी ज्यादा सख्त होती है कि टाइगर उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा नहीं पाएगा और ना ही उसके गले को हानि पहुंचा पाएगा। अतः गैंडे की पूरी स्किन बहुत ज्यादा सख्त है, टाइगर उसे कहीं से भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन यदि टाइगर गलती से गैंडे के सींग के आगे आ गया तो गैंडे का एक टक्कर
सकती है, अतः टाइगर की गेंद से दूर रहने में ही भलाई है। इस मुकाबले में जीत की एक तरफा प्रायिकता केवल गेंद के पक्ष में जाती है, यानी कि जो विनर है वो हमारा स्वयं होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है किसका होना चाहिए था विजेता। धन्यवाद दोस्तों।